चीन में ताकतवर लोगों का गायब होना कोई बड़ी या नई बात नहीं है। चीन में गायब होने वाले लोगों की लिस्ट में एक्टर, एक्टिविस्ट से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन तक के नाम शामिल है और ये सब मॉडर्न चीन के संस्थापक माओ के समय से चला रहा है। बता दें, माओ के वक्त में एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम 100 फ्लावर्स कैंपेन है। इस कैंपेन के जरिए लोगों को आलोचना करने की छूट दी गई थी जिसका लोगों ने जमकर गलत फायदा उठाया। आज हम आपको चीन के पूर्व विदेश मंत्री क्वीन गैंग के बारे में बताएंगे जो पिछले 6 महीने से लापता थे और उन्हें लगातार ढूंढने के बाद पता चला कि 6 महीने पहले ही एक मिलिट्री अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मिलिट्री अस्पताल वो अस्पताल है जहाँ चीन के टॉप लीडर्स का इलाज किया जाता है। अमेरिका मीडिया हाउस पॉलिटिको के 2 अधिकारियों की ओर से दावा किया गया कि बीजिंग के एक मिलिट्री अस्पताल में क्वीन गैंग की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में क्वीन की मौत की वजह सुसाइड या टॉर्चर बताई गई है। बता दें, क्वीन गैंग को आखिरी बार 25 जून को गोवा में हुई SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में देखा गया था। इस बैठक में रूसी, श्रीलंका और वियतनाम के कई बड़े बड़े अफसर आए थे। उसके बाद 7 जुलाई को पहली बार जब चीन के पत्रकारों ने चीनी विदेश मंत्रालय से चीनी विदेश मंत्री गैंग के बारे में पूछा, तब चीनी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 10 और 11 जुलाई को इंडोनेशिया में एक समिट हुआ था जिसमें क्वीन गैंग को हिस्सा लेना था, लेकिन उस समय उनके लिए कहा गया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इस वजह से वो समिट में नहीं जा पाएंगे, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर छापी गई थी, जिसमें तबीयत खराब होने वाला हिस्सा गायब था। जब से रिपोर्ट छपी तभी से चीन में गैंग के गायब होने की चर्चा शुरू हो गई थी। ईट का जवाब पत्थर से देने वाले कूटनीतिज्ञ के रूप में मशहूर क्वीन गैंग दिसंबर 2022 में चीन के विदेश मंत्री बने थे। क्वीन गैंग शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते हैं, जिनको जुलाई में विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया था। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन पर अमेरिका को चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने के आरोप के साथ साथ जासूसी करने के भी आरोप लगे हैं, जिसकी जांच अभी की जा रही है। नमस्कार।